लोग और अपने खुद लोग बोलते हैं हेमंत है तो हिम्मत है। हाँ निश्चित तौर पर हिम्मत है, किनको? तो जो लूटने वाले हैं, कोयला लूटने वाले, बालू लूटने वाले या अपराध करने वाले, उनका हिम्मत है। 32 के खतियान की बात करने वाली सरकार अब कहाँ 60-40 या कोई नया फार्मूला लेकर के आया है। न्याय के लिए युवा सड़क पे आ रहे हैं तो उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है, बल्कि उनको लाठियों से जवाब दिया जा रहा है। लोकतंत्र में बोली को लाठी और गोली से नहीं दबाया जा सकता है। ये तो अंग्रेजों के समय में होता था, अंग्रेज तो चले गए लेकिन कुछ शिष्टाचार छोड़ रखे हैं जिनको वर्तमान सरकार अपना रही। इस पूरे अप्रैल माह को सामाजिक न्याय माह के रूप में घोषित किया था, जिसके तहत हम लोगों ने कई एक कार्यक्रम पूरे माह हम लोगों ने आयोजित किया। 30 तारीख को पूरे प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम और इस माह का अंतिम कार्यक्रम होगा सामाजिक न्याय मार्च के रूप में। 30 अप्रैल को सामाजिक न्याय मार्च, जो मोराबादी बापू वाटिका के जगह से शुरू होगा और हरमू मैदान में आकर के इसका समापन होगा। यह मार्च मुख्य रूप से उन तमाम बिंदुओं को जो झारखंड के सामाजिक विषयों को लेकर के जो राज्य सरकार ने घोषणा किया था कि हम सरकार में आने के साथ ही न्याय करेंगे, जो आज तक नहीं हुआ, हम उस न्याय की बात को लेकर के ही सामाजिक न्याय मार्च कर रहे हैं, जिसमें पहला जातीय जनगणना एवं पिछड़ों की आबादी के अनुरूप आरक्षण सुनिश्चित करने के संदर्भ। अभी नगर निकाय का चुनाव, नगर निकाय का टर्म समाप्त हो गया। आज हमने पेपर में पढ़ा कि जैसे ही समाप्ति होगी, पदाधिकारी वहाँ के जो प्रशासनिक पदाधिकारी होंगे स्वतः उनके हाथ में चला जाएगा और वही इस कार्य को देखेंगे। सरकार यह भी तय नहीं कर पाया कि इतने तारीख को जब इसका अंत होगा उससे पहले चुनाव करा पाए। चुनाव नहीं करा पाना ये सरकार की जवाबदेही थी। अब सरकार पदाधिकारियों के भरोसे नगर निकाय के, नगर क्षेत्र के जितने भी वित्तीय ये हैं उसको लूटने का योजना बना रही। हम स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे, चुनाव करने से पहले ट्रिपल टेस्ट हो जाए और ट्रिपल टेस्ट के आधार पर ही नगर निकाय की चुनाव हो, और जब तक ट्रिपल टेस्ट होकर के चुनाव नहीं होता है तब तक अभी जो एग्जिस्टिंग हमारे जो जनप्रतिनिधि है उनका एक्सटेंशन किया जाना चाहिए। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। जिस तरह से पंचायती व्यवस्था में चुनाव नहीं होने के कारण एक्सटेंड कर दिया गया, नगर निकाय क्षेत्र में भी उसी तरह का एक्सटेंड करना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी संभावना है। एक तो सरकार के कारण उसका अंत हो जाना, चुनाव नहीं कराने के कारण ही इसका अंत हुआ पहले, और जनप्रतिनिधियों के लोकतांत्रिक जो अधिकार है उसको भी आप सीज कर रहे हैं, उसको अवसर नहीं दे रहे हैं। तो हम चाहेंगे, पार्टी चाहती है कि इसका एक्सटेंशन किया जाए और
ट्रिपल टेस्ट करने के बाद ही, पिछड़ों का आरक्षण सुनिश्चित करने के बाद ही नगर निकाय की चुनाव की जाए। पार्टी इस पूरे महीने में उन तमाम विषयों को मुखर तरीके से उठाया, जैसे खतियान आधारित नियोजन नीति बने, स्थानीय नीति बने, लेकिन सरकार अपने कमिटमेंट से हट करके 32 के खतियान की बात करने वाली सरकार अब कहाँ 60-40 या कोई नया फार्मूला लेकर के आया है, जिसको लेकर के यहाँ के युवाओं में भारी आक्रोश है। न्याय के लिए युवा सड़क पे आ रहे हैं तो उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है, बल्कि उनको लाठियों से जवाब दिया जा रहा है। लोकतंत्र में बोली को लाठी और गोली से नहीं दबाया जा सकता है। ये तो अंग्रेजों के समय में होता था, अंग्रेज तो चले गए लेकिन कुछ शिष्टाचार छोड़ रखे हैं जिनको वर्तमान सरकार अपना रही। स्थानीय नीति, नियोजन नीति, बेरोजगारों को कहा कि भत्ता देंगे, हर साल 5 लाख नौकरी देंगे, कोई भी कमिटमेंट जो सामाजिक रूप से झारखंडियों को जो मिलना था वो नहीं हो मिल पा रहा है। लोग और अपने खुद लोग बोलते हैं हेमंत है तो हिम्मत है। हाँ, निश्चित तौर पर हिम्मत है, किनको तो जो लूटने वाले हैं, कोयला लूटने वाले, बालू लूटने वाले या अपराध करने वाले, उनका हिम्मत है और झारखंडी जनता को काफ़ी दिक्कत है। हेमंत है तो दिक्कत है, वो जो दिखाई पड़ रहा है। साथ ही साथ संसाधन के लूट के खिलाफ हम लोग मुखर रहे हैं, इसके खिलाफ माने इन तमाम विषयों पर, झारखंड आंदोलनकारियों के सम्मान के सवाल पर सरकार ना तो युवाओं के साथ न्याय किया है, ना पिछड़ों के साथ न्याय किया है, ना आदिवासियों के साथ न्याय कर रहा है, ना ही महिलाओं के साथ न्याय कर रहा है। तो इन तमाम विषयों को लेकर के हम लोग 30 तारीख को न्याय मार्च करेंगे, जो बापू वाटिका मोराबादी मैदान से शुरू होगा और मोराबाद हरमू मैदान में समाप्त हो। न्याय मार्च के एंडिंग में संबोधन भी होगा, क्योंकि मोराबादी मैदान में वैसा स्थिति नहीं है, इसलिए हम लोग हरमू मैदान में जन जितने लोग आएंगे, पूरे प्रदेश से लोग आएंगे, इसकी तैयारी पूरे प्रदेश के सभी विधानसभा में, सभी जिला में, प्रखंडों तक लोगों ने किया है और भारी संख्या में लोग अपनी न्याय की बात को लेकर के, इस सामाजिक न्याय के मुद्दों को लेकर के इस मार्च में शामिल होंगे। ये तो पूरे प्रदेश का पार्टिसिपेशन होगा, भागीदारी सुनिश्चित होगा, उसको गिन के हम अब नहीं बता सकते हैं, लेकिन हजारों लोग होंगे। ये तो सक्षम लोगों के लिए योजना है, आम जनसाधारण जो उनके लिए पहुंच का योजना ये नहीं है। जिनके पास पैसा था वो तो पहले भी एयर एम्बुलेंस लेकर के जाता था। ये है कि एयर एम्बुलेंस पाने के लिए थोड़ा सुविधा होगा और सक्षम लोग ही इसका फायदा ले पाएंगे। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in